नमस्कार, यूपी नाइन भारतवर्ष में आपका स्वागत है। खबर फर्रुखाबाद से है। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर तलाशी अभियान चलाकर अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने के प्रयास किए गए। जिलाधिकारी संजय कुमार व एसपी अशोक कुमार मीणा ने जनपद में भ्रमण कर सुरक्षा के संबंधों को परखा। क्षेत्रीय अधिकारी नगर प्रदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस व CISF द्वारा शहर के रोडवेज, बस अड्डा, लाल दरवाजा, घूमना, नेहरू रोड चौक, रेलवे स्टेशन से लेकर थाना मोदरवाजा रोड तक के साथ ही रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। आने जाने वाले राहगीर और यात्रियों के सामान की तलाशी ली। खोजी कुत्ता द्वारा हेडलर विपिन कुमार ने संदिग्ध वस्तुओं की तलाशी की। संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली गई। सड़क पर दुकान लगाए लोगों को भी हिदायत दी। शहर कोतवाल विनोद कुमार शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी नाइन भारतवर्ष। मार्च किया है, कहाँ से कहाँ तक किया? कल 26 जनवरी है, तो उसी के संबंध में पूरे जनपद में जो हमारा CAPF है प्लस हमारी जो फोर्स है उसके साथ में अलग अलग एरिया के अंदर पैदल मार्च किया गया है। साथ ही साथ लगातार चेकिंग चल रही है। जितने भी होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, वहाँ पे भी चेकिंग चल रही है संदिग्धों के लिए, ताकि सभी जगह एक सुरक्षा का वातावरण रहे और सकुशल चीज़ें संपन्न हो। सर, कल गणतंत्र दिवस है, उसके तहत कोई विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी कुछ तैयार की गई है? जो मैंने आपको बताया कि सभी जगह चेकिंग लगातार चल रही है और जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन पर लगातार हमारी नज़र भी रखी हुई है। अच्छा, जैसे सर विधानसभा चुनाव भी जस्ट आने ही वाले हैं और शहर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं निरंतर हो रही हैं और जो चोरी घटनाएं हुई हैं उन पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नज़र नहीं आई है। आज भी एक घटना हुई है, हमारी टीम है वो लगातार उन पर काम कर रही है, जल्दी उनका सबका वर्कआउट किया जाएगा। थैंक यू सर।